गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट चैप्टर फर्स्ट। द सीपीयू हैज़ मेनली थ्री पार्ट। सीपीयू मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एमयू को क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परली और परमानेंटली अकॉर्डिंग टू आवर नीड। यह हमारी आवश्यकता के अनुसार अस्थाई यानी टेम्परेरी मीन्स अस्थाई या अस्थाई परमानेंटली स्थाई रूप से जानकारी संग्रहित करती है। ALU को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को हम अंकगणितीय और तार्किक इकाई भी बोलते हैं। दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यह इकाई सभी अंकगणितीय कैलकुलेशन यानी गणना और तार्किक लॉजिकल मीन्स तार्किक इकाई संचालन करती है। फिर आपका आता है CU। CU का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर यानी नियंत्रण विभाग। नियंत्रण इकाई एक यातायात पुलिसकर्मी यानी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह काम करती है और एक कंप्यूटर के सभी कार्यों का प्रबंधन करती है। आउटपुट डिवाइसेस शोज द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्य को परिणाम दिखाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। हमारा क्या है? सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस में क्या है? मॉनिटर और प्रिंटर है। आज के लिए इतना ही। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ मेमोरी यूनिट? मेमोरी यूनिट क्या है? एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई क्या होती है? थैंक यू ऑल ऑफ यू।